अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आजकल मेरा व्लॉग नहीं मिला आप लोग को, वो इंतहाई सुस्त हो गई हूँ मैं व्लॉग के मामले में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, बहुत बिजी रूटीन हो गई है बच्चों के साथ, और फिर रमज़ान भी आने वाले हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना, तो इसलिए। और आप लोग सुनाएं, क्या कहते हैं ना, जिसने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा हुआ वो अभी पहले लाइक कर दीजिए एक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम जा रहे थे ये नया नाजमाबाद, यहाँ दरअसल मेरे हस्बैंड की रहती हैं खाला, जिन्हें वो कहते हैं खाला मी, तो इसीलिए वो हम लोग वहीं जा रहे थे। ये पहाड़ जो आपने इतना बड़ा अभी देखा, तो ये इसकी जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये आना शुरू हो जाते हैं, सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं यहाँ पर, तो इसलिए जो जो नहीं गया वो जाके देख ले, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है अंदर। यहाँ ज़्यादातर पार्क, स्टेडियम और मतलब एक्टिविटीज़ बहुत हैं बच्चों की ना। और आप लोग क्या कर रहे हो आजकल? मैं तो बस बहुत सुस्त हो गई हूँ, क्योंकि ये व्लॉग भी मैंने मतलब ये वीडियो भी मैंने पिछले हफ्ते शूट किया था, तो मैंने 6 दिन के बाद अब जाके इसको अपलोड कर रही हूँ। इंतहाई आप लोग को पता चलेगा इससे कि मैं ना बहुत ज़्यादा इस मामले में सुस्त हो रही हूँ, क्योंकि आप लोग का कोई लाइक ही नहीं मिलता, सब्सक्राइबर ही नहीं मिलता, तो क्या बंदे को मोटिवेशन मिलेगी? तो मुझे तो मिली नहीं रही, इस वजह से मैं इस मामले में बहुत सुस्त होती जा रही हूँ। तो इसीलिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बस ये जाने से पहले यहाँ पर एंट्री के लिए थोड़ी सी सख्ती हो गई है, आईडी कार्ड रखवाना पड़ता है इनके पास, और मतलब जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बताना पड़ता है उनको एड्रेस वगैरह, तो वो कंफर्म करते हैं, फिर जाके अंदर एंट्री मिलती है, अदरवाइज़ नहीं मिलती। तो बस ये स्टेडियम है, ये सामने लड़कियों की वो जो दानिश, इनको पता है, ये निशाने लगा रही थी लड़कियाँ ना सामने, देखें आप लोग तो, ये लड़कियाँ बच्चियाँ सब खड़ी हुई थी यहाँ पर, और ये सामने स्टेडियम था, और पार्क्स वगैरह बहुत है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, मतलब और मस्जिद भी यहाँ पर, हर ब्लॉक के अंदर मस्जिद अलग अलग बनी हुई है। मतलब ये ए ब्लॉक था जिसके अंदर हम क्रॉस कर रहे थे, फिर बी ब्लॉक में भी थी, हमें सी ब्लॉक के अंदर जाना था। ये बी ब्लॉक, ये ए ब्लॉक की है ना, यहाँ पे फार्मेसी वगैरह हर चीज़ है यहाँ पर ना, अंदर ही इनकी पूरी सोसाइटी के अंदर ही हर चीज़ बनी हुई है, आप लोगों को ना बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ना ए ब्लॉक के अलग सारे क्या कहते हैं ना बैंगलोर्स हैं, तो इनको बैंगलोर्स ही बोलेंगे सबको, क्योंकि जो है ना ये एक ही नक्शे में बने हुए हैं सारे, मतलब कलर्स वगैरह इनकी एक थीम है क्या कहते हैं ना यहाँ पर इनकी सोसाइटी की, कि एक ही मतलब शेप में बनना है और वो एक ही कलर होगा। कलर तो पूरे मतलब यहाँ पर ना ये घोड़े वाली चुरंगी आ जाती है ना, ये इसको यही कहते हैं, फिर ये सेकंड चौरंग मतलब सेकंड ब्लॉक शुरू हो जाता है बी ब्लॉक। तो यहाँ देखें कितनी आराम से बच्चे अच्छे खेल रहे हैं ना, तो अच्छा लगता है मुझे ये एरिया बहुत ज़्यादा ना, ये सोसाइटी बहुत अच्छी लगी, लेकिन बहुत दूर है ये ना, और यहाँ पर इस वजह से हम लोग भी इस वजह से नहीं ले पाते, क्योंकि ना यहाँ पर पानी भर जाता है हर दफ़ा। हाँ पानी भर जाता है इनकी तरफ हर दफ़ा ना, पिछले साल तो नहीं भरा था यहाँ पर पानी, जब भी बारिश होती है अगर डैम बना लिए हैं जिसके मतलब ये पानी वानी बिल्कुल भी नहीं भरता, तो अब ज़्यादा अच्छा है ये, वरना बहुत पहले नुकसान हुआ था इन लोगों को, बार बार मतलब जो है ना भरता था पानी, तो इनके फर्स्ट फ्लोर तक तो पानी रहता, पानी खड़ा हुआ होता था, तो बेचारे बहुत परेशान हुए थे यहाँ पर शुरू में आके। लेकिन ये कि बच्चों के हिसाब से भी सोसाइटी बहुत अच्छी है, माहौल वगैरह के हिसाब से अच्छा है ये एरिया बहुत ज़्यादा ना। यहाँ पे सब बन गए, काफ़ी हद तक बन गए, मैं तकरीबन 7-8 महीने के बाद मैं आ रही थी दोबारा ना यहाँ पर, तो इसकी वजह से मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा बन गया था दोबारा, और हम हर दफ़ा इनका घर भूल जाते हैं, अभी भी हम लोग घर ही ढूँढ रहे थे इनका, किधर है किधर है किधर, घर भूल जाते हैं क्योंकि सारे एक ही नक्शे में बने हुए, एक ही कलर्स हुए हुए हैं ना, तो इसकी वजह से घर ही भूल जाते हैं हम लोग ब्लॉक में आके उनके ना, कि ना कौन सा है कौन सा है, तो ना मेरी बच्ची बता रही थी बाबा ये वाला है, बाबा ये वाला है, बाबा ये वाला है, तो इसकी वजह से सारे एक ही जैसे हैं यहाँ पर। तो बस यही था आज का ब्लॉग। और कैसे जा रहे आपके, रमज़ान की तैयारी शुरू हो गई आप लोग की? ये मस्जिद थी और
और रात का व्यू तो ये था मस्जिद का, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही थी मस्जिद मुझे रात को। तो मैंने दान से रखा करिए जाकर दिखाए, बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइस अंदर जाके भी बनाई थी, जब वो नमाज़ पढ़ने गए थे ना तो उन्होंने कहा था अंदर जाके बनाता हूँ, तो लेडीज़ तो अलाउ नहीं थी तो इस वजह से ही गए थे अंदर। तो ये नमाज़ पढ़ने गए थे तो इन्होंने बना ली थी थोड़ी सी क्लिप, मैंने कहा था थोड़ी सी क्लिप बनाने जा रहा, लेकिन उन्होंने मुझे मना करा था कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ तो एक क्लिप बनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा बना लीजिएगा थोड़ी सी, तो बना लीजिएगा, तो इन्होंने बना ली थी थोड़ी सी। खैर इतना तो कर ही देते हैं ये मेरे लिए। तो आप देखिए बहुत हसीन लग रही थी ये माशाल्लाह से, ये सब इनके ऊपर छत बन रही हुई थी और हर सा और काम उसमें हो रहा है, इनको पता होगा, लग तो नहीं रहा कोई काम होगा, हो चुका है। हाँ ऊपर देखें, ऊपर लगी हुई है लकड़ियाँ, और काम होगा इसका मज़ीद, क्योंकि ये अभी पूरी सोसाइटी अभी तैयार नहीं हुई है, अभी आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है इसका। तो ये सब देखें कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है ना मस्जिद, वैसे गर्मियों में व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ैन ऑन होते हैं और इतना फिर वॉइस ओवर करना उसमें बहुत मुश्किल होता है। मैं आप कोशिश करूँगी जितनी भी मतलब वीडियो क्लिप करूँ ना तो उसमें वॉइस ओवर ना करना पड़े, उसी के कोशिश करूँगी कि अपनी ही उसमें ना जैसे और व्लॉगर करते हैं वॉइस अपनी ही उस टाइम वीडियो की जो होती है वही यूज़ करते हैं, तो मैं भी आपके वही करूँगी, क्योंकि ना गर्मियों में बहुत मुश्किल होता है वॉइस ओवर करना, फ़ैन ऑफ करना पड़ता है तो फिर गर्मी लगती है ना। पहले सर्दियों में तो आराम से हो जाती थी, लेकिन अब गर्मियों का मसला होता है बहुत ज़्यादा ना, इसीलिए तो अब अपनी वॉइस नहीं हो वहीं होगी मेरी। और क्या हो रहा है आजकल आपकी लाइफ में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बस ये मस्जिद की क्लिप थी छोटी सी, ये देखें, ये रात में हम लोग बस जा रहे थे, मतलब दो ढाई घंटे हम मुश्किल से बैठे होंगे बस, हम फिर वापस जा रहे थे, मिलने आए थे उनसे खाली, उनकी खाला मम्मी से, तो बस मिल लिए थे, हम फिर वापस जा रहे थे। ये भी एक मतलब सी ब्लॉक की चौरंगी थी, ये भी उनकी हर ब्लॉक की चौरंगी स्टार्ट होने से पहले ना मतलब कुछ ना कुछ बना हुआ है चौरंगी के ऊपर ना। ये इनकी दूसरी मस्जिद थी, मतलब जो हस्बैंड की जो अभी मैंने दिखाई थी ना वो दूसरी मस्जिद थी, और ये बी ब्लॉक की मस्जिद थी और वो सी ब्लॉक की मस्जिद थी। हर ब्लॉक की अलग अलग मस्जिद है, तो ये भी मैं पास से दिखाऊंगी आपको, ये भी बहुत माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही थी मस्जिद, है ना आरुष? आरुष आ गई मेरी वॉइस ओवर करते करते। और आप बताएं कैसा लगा था आपको खाला अम्मी के घर पर, बताएं जल्दी से। मेरी वॉइस ओवर करते करते मेरी शन्ने उठ कर आ गई, छोटी बड़ी वाली, ये लोग उठ जाते हैं तो वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल हो जाता है कि बस। बताएं आप कैसे लगा आप? अच्छा लगा, जोर से बताएं। अच्छा, और क्या किया आपने वहाँ पर बताओ, जल्दी बताओ। गेम खेला, बताओ। गेम खेला और फ्रेंड्स को बताओ ना अपने, आपके तो देखते हैं लोग आपको लाइक करते हैं, बताओ आप उनको कि आपने क्या क्या किया वहाँ पर खाला अम्मी के घर पर, बताओ। काटा, क्या देखा था आपने? कार्टून और खेला था ना प्रफा के साथ। और थोड़ी सी बातें करो, गाने भी गाए थे खूब, मैं जोर से तो बोलो सही से। कार में भी गाए थे खूब मैं, और ट्रेन बस भी देखी थी। हाँ इन्होंने ना फर्स्ट टाइम ग्रीन बस देखी थी, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी थी, क्योंकि हम यहाँ से वापस जा रहे थे ना तो ग्रीन बस चल रही थी, तो मैंने छोटा सा उसका क्लिप भी बनाया था,
तो बस बच्चों को दिखा रही थी ग्रीन बस, तो मैं इनसे यही कह रही थी कि मुझे भी बैठना है। तो कहते थे हाँ हाँ मैं बिठाता हूँ, यहाँ से सदर पहुँच जाना और सदर से वापस यहाँ पर आ जाना, फिर वापस बाइक पर बैठ के चल चलना वहाँ ऐसा। तो ये छेड़ रहा था मुझे उस टाइम, ये देखें ये जा रही ग्रीन बस, मैंने कहा मुझे बैठना है इसके अंदर, ठीक है हाँ 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 बिठाता हूँ। तो बस वापस घर पर आ गए, फिर मैं खाने वाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि मैं चिकन टिक्के में मसाला तो लगा के गई थी अपना, तो वो टिक्के का मसाला तो लगा के गई थी, तो फिर बस मुझे आके बस फ्राई करना था। बस यही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, आई होप आप लोग को अच्छा लगे हो। अल्लाह हाफिज़।